माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा प्लांट है उसके विषय में बताया कि किसानों के लिए जो बिजली है कि पहले तो किसान बिजली से अपना जो प्रदूषण मुक्त बिजली है उसका उत्पादन करेंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से, और जो बची हुई बिजली है उसको बिजली विभाग खरीदेगा जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है वो शायद आज़ादी के इतने दिनों के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। किसान सम्मान निधि देने का काम किया कि अटल जी की सरकार ने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार रही है जिसने किसानों के हित में काम किया। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पे कृषकों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कार्यक्रम हुआ जिसमें जिला अध्यक्ष सीतापुर सर आए। क्या क्या सर आश्वासन मिला जो बिजली माफ़ी के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो हमारा नलकूप की बिजली थी उसको पूरे प्रदेश में मुफ्त बिजली देने का काम किया। तो सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये 2023 से, अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट है। तो अभी तक सब लोग बिल दे चुके हैं? जो बिल दे चुके हैं उनका वो माफ़ हो जाएगा, और जिनका OTS है वो उसको, मतलब जिनका बकाया है उनको भी छूट देने का काम OTS में। सभी तरह के किसानों के लिए सर की 2 एकड़ से 100 एकड़ सभी तरीकों के किसानों के लिए। अच्छा, तो इसमें सर और क्या मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री ने और क्या क्या आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा प्लांट है उसके विषय में बताया कि किसानों के लिए जो बिजली है कि पहले तो किसान बिजली से अपना जो प्रदूषण मुक्त बिजली है उसका उत्पादन करेंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से, और जो बची हुई बिजली है उसको बिजली विभाग खरीदेगा जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सर जो किसान धरने पे बैठे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे MSP के बारे में? किसान कोई धरने पर बैठा ही नहीं है, वो लोग राजनीतिक दलों के जो लोग विपक्षी ये किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है वो शायद आज़ादी के इतने दिनों के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। किसान सम्मान निधि देने का काम किया कि अटल जी की सरकार ने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार रही है जिसने किसानों के हित में काम किया। सर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों को एक संदेश 15 सेकंड का? मैं उत्तर प्रदेश के और देश के किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हित माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही है, और किसानों की जो आय दुगनी करने का काम है वो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उन्हीं से ये कार्य संपन्न हो पाएगा। ये लखनऊ में जो हम लोगों को बताया गया उसमें ये आज इन्होंने बिजली की घोषणा करनी थी मुफ्त बिजली की, और इन्होंने बिजली की घोषणा 1/4 से कही है। वैसे इन्होंने 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था 22 में, उसमें इन्होंने घोषणा पत्र में बिजली बिल के बाद ही कही थी, शुरू कही थी तो बिजली का बिल कही गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 1 साल बाद का बिल भी ले लिया, और घोषणा इन्होंने 1/4 से की है, जबकि बिजली का बिल हम हर कोई जिले से है, हमारा हर कोई जिले में बहुत सब बिल्ले पूरे यूपी में आ गए होंगे, बहुत सब बिल्ले इन्होंने अभी 29/2/24 तक इन्होंने किसानों से वसूल लिया है, वो इन्होंने गलत करा। वो अब इनसे हम सरकार से वो मांग भी करते हैं मीडिया के द्वारा कि वो बिल को किसानों को जिनका बिल इन्होंने 29/24 तक ले लिया है उनका बिल वापस रिफंड किया जाए। उसी के बाद हमारा MSP का जो इन्होंने हमारे वादा खिलाफी की है, 2 साल पहले इन्होंने हमारा आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने स्थगित करवा दिया था, आश्वासन दे दिए थे हम MSP के ऊपर कमेटी बैठाएंगे, गारंटी देंगे।